हरे कृष्णा। तो ये कहानी है दीप कपाड़िया जी की, जो कि 21 मई 1979 को पैदा हुए थे। मुंबई में एक गुजराती फैमिली में, बोरीवली में वो पैदा हुए। जब वो 10 महीने के हुए, 10 महीने में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। 10 महीने का बच्चा बोल रहा है, और गुजराती लैंग्वेज नहीं, वो गुजराती फैमिली में पैदा हुए हैं, लेकिन बोल क्या रहे हैं वो उदयपुर के लैंग्वेज में, मतलब राजस्थानी जो मारवाड़ी लैंग्वेज होती है वो बोल रहे थे। और वो कह रहे थे कि मुझे उदयपुर जाना है, उदयपुर जाना है, उदयपुर जाना है, बार बार वो ये बात बोलते थे। उनके पेरेंट्स परेशान हो गए, उन्होंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, डॉक्टर मेहतानी। डॉक्टर मेहतानी ने जब उनका देखा तो उन्होंने बोला कि ये बच्चे का जो ब्रेन है ये 10 साल बच्चे के ब्रेन के बराबर है, मतलब कि ओवर डेवलप्ड ब्रेन जो होता है। लेकिन जब उनका टेस्ट किया गया, ईईजी वगैरह किया गया, तो उनका जो टेस्ट का रिजल्ट है वो सब नॉर्मल आया। पेरेंट्स और परेशान हो गए, इतना छोटा बच्चा मारवाड़ी बोल रहा है, और धीरे धीरे करके वो 4 लैंग्वेज बोलने लगे। पेरेंट्स परेशान हो गए। फिर डॉक्टर मेहतानी ने सजेस्ट किया, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े पैरासाइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर रामाकांत केनी, तो उनको दिखाया गया। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल ये रीइंकार्नेशन का केस है, पक्का। लेकिन उन्हें टेस्ट करना था, रिसर्च करना था कि क्या वास्तव में ये रीइंकार्नेशन का केस है, उन्हें प्रूफ करना था, जो पैरासाइकोलॉजिस्ट थे डॉक्टर रामाकांत केनी जी। तो कई सारे उनके रिसर्च किए उन्होंने, पता किया, उनके फ्रेंड से पता किए कैसे कैसे, और वो कंफर्म होते जा रहे थे कि हाँ ये बच्चा जो है रीइंकार्नेशन का केस है। फिर उन्होंने प्लान किया कि हम नाथ द्वारा जाएंगे, श्रीनाथ जी के पास। तो वहाँ पे रास्ते में उदयपुर पड़ता है, और इस बीच जो है चित्रलेखा, एक बहुत पॉपुलर मैगजीन जो गुजराती का था वहाँ पे उस टाइम पे, तो उसके एडिटर भी आ गए, हरकिशन मेहता जी। तो उन्होंने भी बोला कि मतलब मैं भी इस स्टोरी को कवर करना चाहता था, तो माँ बाप बहुत डर गए थे, बोले नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। तो बोले आप चिंता मत कीजिए, जब तक ये केस कन्फर्म नहीं हो जाएगा मैं कुछ भी नहीं छापूंगा। तो वो भी गए साथ में, वहाँ पर गए। तो उदयपुर जब बस रुकी, तो वहाँ से बस से वो बच्चा उतर गया, ये जो दीप कपाड़िया जी थे ये उतर गए, और जाकर ये उदयपुर में एक एक चीज़ दिखाने लगी, ये विक्टोरिया स्टैंड है, ये फतेह मेमोरियल है, ये सिटी पैलेस, एक एक चीज़। और उन्होंने फिर बोला कि अब चलो मैं आपको अपने घर पे लेकर चलता हूँ। सारे शॉक्ड हो गए घर पे। तो उनके घर पे गए, जो दीप मेहता जी थे, उनका जो पुराना जो पूर्व जन्म में जो उनका घर था, वहाँ पर गए तो एक बड़ा सा आदमी खड़ा था। तो बोला हाँ जी बताइए। तो बच्चे ने बताया ये मेरा बेटा है। वाह, 2 साल का बच्चा बोल रहा है, इतना बड़ा आदमी जो खड़ा है वो मेरे बेटा है। तो जो उनके जो जिनको वो बता रहे थे कि मेरा बेटा है, तो उन्होंने सोचा कि उनकी प्रॉपर्टी बहुत थी, तो वो जो बच्चा था, ये जो दीप कपाड़िया थे, वो बबताते थे बच्चों में कि मेरा घर बहुत बड़ा था, 100 कमरे थे, जितना बड़ा ये घर है इतना बड़ा तो मेरा बाथरूम था, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी, बिकॉज रिच थे वो, काफ़ी रिच थे उदयपुर में। तो उन्होंने सोचा जो उनका बेटा था जो खड़ा था, बोला शायद ये प्रॉपर्टी के लालच में आए हैं तो इसलिए वो कर रहे, बोले जाओ जाओ यहाँ से। तो लेकिन जो उनके एक फ्रेंड थे, जो उनके जिनको बेटा बता रहे थे उनके फ्रेंड थे, उन्होंने बोला लेकिन आपका चेहरा इनके चेहरे से मिल रहा है, और उनकी बहन का भी चेहरा उनसे मिल रहा था। तो उन्होंने भी गौर किया, हाँ बात तो सही है, और इमोशनल हो गए, उनको गोदी में उठा लिया, और गोदी में उठा के पूरा उदयपुर उन्होंने घूमा। मतलब कि बेटा अपने बाप को, 2 साल के बाप को उठा के पूरी सिटी में घूम रहा, और उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जो कि किसी को भी नहीं पता थी, जो कि उनको ही पता थी, और जो कि बताया कि यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था, तो उन्होंने पुराने उससे चेक किया, हाँ उनके बेटे के पैदा होने से पहले मंदिर हटा दिया गया था, यहाँ पर मंदिर था वो कंफर्म किया। फिर वो सिटी पैलेस में गए, तो उनका नाम पूर्वजन्म का था पन्नालाल अग्रवाल, जो दीप मेहता जी थे उनका पूर्वजन का नाम था पन्नालाल अग्रवाल। तो पन्नालाल अग्रवाल जी जो थे वो सिटी पैलेस में एज चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वहाँ पर जॉब करते थे। तो वहाँ पे भी जाके उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐसे राज बताए सिटी पैलेस के, जो लोगों को पता नहीं था, कोई रास्ता है टनल वहाँ से निकलने का, बाहर निकलने का, जो लोगों को पता नहीं, जो सब देख के शॉक हो गए। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उनका मर्डर हुआ था 1976 में, उनको दूध में जहर देके उनके दुश्मनों ने उनको मार दिया था। क्यों? क्योंकि वो बहुत क्लोज थे किसके, महाराणा प्रताप सिंह जो थे, उनके 44th डिसेंडेंट महाराज फतेह सिंह जी के बहुत क्लोज थे, तो एनवियस लोग थे, तो उन्होंने इसलिए उनको जहर देकर मार दिया। अब ये 100% कन्फर्म हो चुका था कि ये केस रीइंकार्नेशन का है। जब ये बात फैली पूरे वर्ल्ड में, पूरे बहुत दुनिया के कोने कोने से रिसर्चर्स आए देखने के लिए क्या है ये केस, क्या है ये केस। इवन दलाई लामा वो भी आए मिलने के लिए दीप कपाड़िया जी से, और डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जो कि वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से हैं, उन्होंने अपनी बुक में भी इनका जिक्र किया। उनकी बुक का नाम है चिल्ड्रन हु रिमेंबर देयर पास्ट लाइफ्स, तो उसमें उन्होंने
लिखा पन्नालाल अग्रवाल दीपिका पाड़िया जी के बारे में। 10 साल तक उनको समय लगा उन चीज़ को भुलाने में। तो भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं कि उन्होंने वो इम्प्रेशंस मिटा दिए, और इसीलिए भगवान हमारे पूर्व जन्म की स्मृति मिटा देते हैं, क्योंकि अगर वो हमें याद रह जाएंगी तो हम वैसे जीवित नहीं रह पाएंगे। पूर्व जन्म में क्या क्या कितने स्ट्रगल्स हुए हैं, कैसे मृत्यु हुई, मृत्यु सोचकर ही हम दोबारा मर जाएंगे, तो इसलिए हमें पूर्वजन अपने याद नहीं रहते। तो ऐसे धीरे 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 करके दीपिका पाड़िया जी के भी भगवान ने स्मृति क्लियर कर दी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग बोलते हैं ना कि पुनर्जन्म होता है, क्या उसका क्या प्रूफ है, हमें तो प्रूफ चाहिए है ना। बहुत सारे प्रूफ्स हैं जिससे पता चलता है। और दीपिका पाड़िया जी के बारे में कैसे पता चला कि ये लेक्चर में बैठे हुए थे और वहाँ पर सेशन चल रहा था, रीइंकार्नेशन का ही सेशन चल रहा था, गौर गोपाल प्रभु जी ले रहे थे, तो उसमें उन्होंने हाथ उठाया था कि आई एम केस ऑफ रीइंकार्नेशन। सबने बोला अटेंशन पाने के लिए कर रहा है। फिर नेक्स्ट जब सेशन में वो आए तो पूरा प्रूफ लेकर, न्यूज़पेपर की कटिंग, पूरा आर्टिकल सब लेकर आए, तब उन्होंने फिर अपने बारे में बताया था। ऐसे जो है हमको ये बात पता चली थी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे इस्कॉन में। और भी एक केस है जो कि ब्रह्मचारी थे, राघवदास ब्रह्मचारी, जिनकी फोटो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे ये। तो इनकी जब मृत्यु हुई थी, एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी, और जब इनका पुनर्जन्म हुआ तो इनको याद था। पुनर्जन्म इनको किसका मिला, स्त्री का शरीर मिला। और वो माता जी जो आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन्होंने दीक्षा ली हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज से, और इनको पूरा याद था अच्छे से अपना पूर्वजन्म, कि मैं पूर्वजन्म में राघवदास ब्रह्मचारी था। क्योंकि मृत्यु के समय वो स्त्री के प्रति आसक्त थे, इसलिए उनको स्त्री का शरीर मिला। इवन वो उस स्त्री से मिले भी जाकर, जो सत्यवती जो थी जिससे वो आसक्त थे, उनके हूबहू उनका चेहरा उनसे मिलता था। जो माताजी इस जन्म में है उनका फेस बिल्कुल उनसे मिलता था, जिनके प्रति राघवदास ब्रह्मचारी जी यानी कि माताजी आसक्त थी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं जिससे रीइंकार्नेशन पुनर्जन्म होता है, ये हमको यकीन होता है। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।